इसके बाद अगले दिन कृष्ण बलराम गए मथुरा में, बड़ा सुंदर वर्णन है। मथुरा में जाते हैं रास्ते पे तो कृष्ण बलराम कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं यार, ये सब तो हम लोग तो गांव के बच्चे हैं, हम जा रहे हैं शहर में तो ये अच्छे कपड़े नहीं हैं, शहर में जा रहे हैं तो कपड़े कैसे चाहिए, अच्छे शहर के जैसे कपड़े होने चाहिए, तो कपड़े कहाँ से मिले है ना। तो जब ये सोच रहे थे कपड़े कहाँ से आएंगे तो एक धोबी आ रहा, ठीक है। अब वो किसका धोबी था? कंस का धोबी था। तो कृष्ण वर्ग ने उससे कहा भाई ये कपड़े मुझे दे दे। तो बोला अरे तुम लोग पता नहीं महाराजा के कपड़े ये वो पता नहीं क्या क्या उसको सुना दिया, तो ज्यादा बोल रहा था कि तुम ऐसे हो ऐसे तुम्हें शर्म नहीं आती भी कंस को बता दूंगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ज्यादा बोल रहा था कृष्ण, एक तमाचा आ रहा उसका वही काम हो गया है ना। तो जब कृष्ण मांगे कि दे तो दे देना है कि नहीं। तो इसके बाद जो है उन कपड़ों को फिर लिया और बाद में एक दर्जी से सिलवा के तो उसने उसको वरदान दिया कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं, क्यों उसने भक्ति में आके सिल दिए। फिर आगे गए तो एक कुब्जा थे है ना, तो उस वो भी कंस को चंदन लगाती थी अंगराग, तो उससे कहा कि हमें लगा दो, तो उसने इनको चंदन लगाया कृष्ण बलराम को, तो उसको भी इन्होंने एक पैर रखा उसको जाने वो झुकी चलती थी तो एक पैर रखा उसके पैर पे ऐसे पकड़ के उठा दिया, वो कुब्जा तो स्वयं सुंदर स्त्री बन गई है ना। बाद में उसने अपनी इच्छा प्रकट की और कृष्ण ने उसकी इच्छा को पूर्ण भी किया है ना, लेकिन उसकी इच्छा और गोपियों की इच्छा में बहुत बड़ा फर्क है। गोपियों की इच्छा शुद्ध भक्ति है, उसकी इच्छा शुद्ध भक्ति नहीं मानेगी, ठीक है। इस तरीके से कृष्ण बलराम गए, उन्होंने कंस जी ने एक बहुत खतरनाक कुबल्यापीड नाम का एक राक्षस एक हाथी को उन्होंने व्यवस्था किया था कि कृष्ण बलराम को मारेगा। कृष्ण बलराम ने उसको ही मार दिया और उसके दांतों को यूं रखा और जो एरिना बनाया था ना उसको दंगल के लिए उसमें एंट्री किया। तो जब कृष्ण बलराम ने एंट्री किया तो जितने वहां बैठे थे सबने अपने अपने भाव से देखा, जो वात्सल्य भाव के थे उनको लगा कि इन बच्चों को इतने बड़े खतरनाक पहलवानों से लड़वाएंगे सरासर अन्याय। जो माधुर्य भाव में थी गोपियां या जो स्त्रियां वो अपने भाव से देखी, सबको कृष्ण बलराम एक ही है पर सब उन्हें अपने अपने भाव से देख रहे हैं है ना। तो इस तरीके से लड़ाई हुआ और लड़ाई में चारों को कृष्ण बलराम ने खत्म कर दिया और बाद में मामा कंस को भी वहां से खींच के ला के उसके ऊपर बैठ के घूंसों से मार मार के उसका खत्म किया। तो श्रीदामा कहते हैं कि यार ये इसने ही मारा है ना, बोले ये कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले यार इसको तो मैं रोज हराता था, इसको तो अपन लोग जब जंगल में लड़ते थे खेल खेल में तो उसको रोज हराता था मैं, तो ये कृष्ण नहीं है। बोले भी पहले मुझसे लड़ेगा, अगर ये हार गया तब मैं मानूंगा कि कृष्ण है। तो उनकी लड़ाई हुई तो वही कृष्ण श्रीदामा से हार गए, तब श्रीदामा अपने आदमी अभी सर्टिफाइड है। तो भगवान अपने भक्तों से तो इस तरह से व्यवहार करते हैं, उनसे हार भी जाते हैं, उनसे बंध भी जाते हैं, उनका झूठा भी खा लेते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों को कष्ट देता है उसको भगवान बहुत कष्ट देते हैं, है नहीं। तो इस तरीके से बाद में भगवान ने
कंस को मारने के बाद मथुरा के राजा उग्रसेन को राजा बनाया, अपने माता पिता को भी छुड़ाया। और ये बात से जो है जरासंध बहुत नाराज था, है ना, कंस के मारने से। तो जरासंध ने फिर कृष्ण के ऊपर अटैक किया, 17 बार जरासंध ने अटैक किया। 23 अक्षौणी सेना लेके आता था, है ना। तो जब पहली बार वो 23 अक्षौणी सेना लेके आया तो कृष्ण बलराम ने अभी तक जो है हथियार नहीं उठाए थे, बिना हथियार उठाए इतनों को निपटा दिया था, बड़े बड़े लोगों को। अब जो है पहली बार कृष्ण बलराम युद्ध में आए हैं, तो कृष्ण बलराम के लिए 2 रथ आए और बलराम जी से कहते हैं आप अपने रथ को संभालिए। और सारे अस्त्र शस्त्र उसमें पहले से ही फिट थे, बलराम जी के लिए हल और गदा और सब पूरा अरेंज था। और लड़ाई हुई जरासंध से, 23 अक्षौणी सेना। तो बलराम जी ऐसे हल फेंकते थे, ऐसे खींचते थे, ऐसे मारते थे। खतरनाक युद्ध हुआ, जरासंध की पूरी 23 अक्षौणी सेना को भगवान ने बस ऐसे ही खत्म कर दिया। और जरासंध को भी बलराम जी मारने वाले थे, तो कृष्ण कहते हैं क्या, रुको इसको नहीं मारना। अरे क्यों नहीं मारना, अरे ये अपना काम आसान कर रहा है। क्या आसान कर रहा है, बोले अपन आए किस लिए, दुष्टों को मारने के लिए। अरे ये क्या कर रहा है, सबको इकट्ठा करके लाता है, अब अपन इसको मार देंगे तो अपन को ढूंढना पड़ेगा, है ना। भगवान भी है, कौन मेहनत करेगा यार, जब फ्री में मिल गया है बंदा लेके आ रहा है, अपन को उसे यहां बैठ के मारने ही तो है, नहीं अपन को ढूंढना पड़ेगा। बलराम जी कहते व्हाट एन आइडिया सर जी, सही है। तो कह तू जा। तो जरासंध को और अपमान हुआ, किसी को मार दे छत्री को तो अच्छा, उसको तू जा, तू जा यार। तो उसको और झल्लाट होती है। तो अगली बार फिर 23 अक्षौणी लेके आया, वैसे कई बार लेके आया, 17 बार लेके आया। फिर जब 18वीं बार लेके आया, उसी समय एक और राक्षस था काल्यवन, वो भी ऐसे ही घूमता रहता था कि मुझसे कोई लड़ ले। उसकी कई लंबी सेना थी, तो उसने ऐसे किस पता चला कि कृष्ण ही लड़ सकते हैं, तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आया, है ना, कि मैचिंग करा जो डिस्क्रिप्शन मिला था तो यही लग रहा है कृष्ण। तो कृष्ण ने सोचा कि यार अब इस समय क्या करें। तो कृष्ण ने रातों रात जो है एक नगर का निर्माण करवाया और किसी को पता नहीं चल पाया, और सारे जो है कुरियर कर दिए गए कहाँ, द्वारका में। सब लोग द्वारका चले गए, किसी को कोई पता नहीं चला। रात को सोए मथुरा में, सुबह निकले द्वारका में, एक रात की ट्रेन थी। हमारे एक माता जी गई ना द्वारका, तो सब द्वारका पहुंच गए। और फिर जो है काल्यवन ने जब अटैक किया तो भगवान जो है वहां से भागे, है ना। और भागते गए तो काल्यवन बेचारा पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, भगवान भागे जा रहे हैं। और भागते किधर भागे थे, धौलपुर के साइड, तो उधर एक गुफा थी, तो उस गुफा में एक व्यक्ति सोया हुआ था, है ना। तो वो भगवान भागते गए उस गुफा में, और वहां एक व्यक्ति सोया था, उसका नाम था मुचकुंद। वो महाराजा मुचकुंद थे, वो वहां पे सो रहे थे। क्यों सो रहे थे, क्योंकि एक बार इंद्र की सहायता करने के लिए लड़ाई लड़ने गए, इंद्र की मदद की है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने मदद किया। बाद में इंद्र बोले आपको क्या चाहिए, तो बोले आप हमें क्या दे सकते हैं, अब बोले आप नीचे जाओगे, आपका तो राजवाज सब कई युग निकल गए वहां पे, तो आपके जानने वाला कोई नहीं वहां पे। तो महाराजा मुचकुंद कहते हैं यार ऐसा करो, मैं ना बहुत देर से लड़ रहा था, थक गया हूँ, मेरे को सोना है, बहुत सेवा हो गई, मैं सोऊंगा, मेरे लिए अरेंजमेंट करो, मैं सोऊं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो भगवान जानते थे, अब एक और वरदान लेके जो मुझे डिस्टर्ब करेगा, सारे आजकल के बच्चे ये ताकत चाहते हैं, जो मुझे सोते में डिस्टर्ब करे, जैसे मैं आग खोलूं वहीं जल के भस्म हो जाए।
ये मांग लिया किसने, मुचकुंद ने, उनके पास एक पावर थी, वो आराम से सो रहे थे बिल्कुल डीप स्लीप, और भगवान इसको जानते थे। भगवान गए दौड़ते दौड़ते, भगवान बड़े चतुर हैं, भगवान गए दौड़ते दौड़ते अंदर गुफा के और अपना पीतांबर लिया, उसके ऊपर सुला दिया, उसके ऊपर बिछा दिया, ढक दिया उसको, और अंदर चले गए गुफा के। अब काले वन उधर से आया दौड़ते दौड़ते और कहता, अच्छा भाई इतनी देर से दौड़ा रहा, अपनी नींद आ रही है, है? आराम से सो रहा है तू, अभी देख। और आया गुस्से में एक लात मारी, एक जैसे लात मुचकुंद महाराज को पड़ी तो मुचकुंद महाराज एकदम से यूं उठे और जैसी आंख खोली वो शुभ काले वन में भस्म हो गया। तो मुचकुंद महाराज, हुआ क्या, कौन था, क्या हुआ क्या? बाद में भगवान आए अंदर से तो उनको प्रणाम किया कि आप कौन है करके बातचीत हुआ, तो पता चला कि वो हमारे स्वयं भगवान है, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने फिर मुचकुंद महाराज को भी आशीर्वाद, उनके ऊपर भी कृपा हुई, वो इसीलिए वहां पे इंतजार कर रहे थे और काले वन का भी नाश हुआ। फिर जो 18वीं बार वो लेके आया था जरासंध सेना, तो उस लड़ाई में भगवान फिर वहां से भागे, इसलिए उनका नाम पड़ा पूरा जंगल जला दो, तो पूरा पर्वत पे आग लगवा दी और बिल्कुल फिल्म जैसा है ये ना, पूरा पर्वत में आग लगा दी और जरासंध सोच रहा है तो मर गए होंगे जंगल में पूरी आग लग गई। और भगवान पीछे तरफ से खाई थी, कई योजन ऊंचा पहाड़ था, वहां से कृष्ण बलराम दोनों कूदे, भागवतम के उसमें है ये फोटो, शुरू में देखता था ये क्या हो रहा है यार, तो वहां पूरे पहाड़ में आग लगी है और ये लोग वहां से कूद गए, कुछ नहीं हुआ, है ना। और फिर जाके जो है द्वारका में गए। तो इसके बाद जो है एक महाराजा थे रैवत, तो उनकी उनके पुत्र का नाम था कुकुरदुमनी और उनकी पुत्री का नाम था रेवती। तो वो सतयुग की बात है, तो वो महाराज अपनी पुत्री के लिए, उनको अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा जी से ही पूछता हूँ कि किससे शादी करनी चाहिए, कौन मेरी पुत्री के लिए अच्छा लड़का है। तो वो ढूंढते ढूंढते चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शायद किसी मीटिंग में होंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक लो। तो जब इनकी बात इनका नंबर आया तो ब्रह्मा जी बोले कैसे आए, तो बोले हम तो इसलिए आए थे कि आप बताइए कि हमारी पुत्री के लिए कौन सा वर अच्छा होगा, किससे शादी करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन आप कब आए थे, जितनी देर आपने वेट किया उतने तो युग निकल गए नीचे, और अब तो अधापर ही चल रहा है, तो जो आपके समय में थे लड़के, है ना, जो अवेलेबल स्टेटस वाले, वो तो सब विवाह हो गया, मर गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, कई युग निकल गए, अब क्या करें। बोले अब आप जाइए, अब तो भगवान स्वयं है वहां, और बलराम जी से इनका विवाह कर दीजिए। तो बलराम जी के पास आए, बलराम जी ने देखा कि भाई बात तो ठीक है, विवाह तो कर लेंगे, लेकिन वो सतयुग की पुत्री थी, बलराम जी द्वापर में अवतीर्ण हुए थे, द्वापर के हिसाब से हाइट, हर युग में हाइट घटती जा रही है, है ना, तो वो बहुत लंबी थी। तो बलराम जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें सब पता है, हल लिया खींचा अपने साइड से, बलराम जी की, बलराम जी चमत्कारी हैं, है ना, तो अपने लेवल में लाके। अच्छा ऐसा सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति मिल जाए, जैसा पत्नी कोई गड़बड़ रहे बलराम जी की पूजा करो, ठीक है। तो इसके बाद जो है बलराम जी का विवाह का कथा आता है। इसके बाद जो है एक राजा थे रुक्मी, है ना, तो उनकी पुत्री थी रुक्मणी। तो रुक्मणी जी ने बहुत सुना था नारद जी से कृष्ण के बारे में, तो पहले ऐसे होता था, एक कथा आप सुन चुके ना सर,
नारद जी ये सब भी करवाते हैं, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनाते। तो नारद जी को आते थे, उनको बताते तो सुन सुन के रुक्मणी। अच्छा होता क्या है कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आप प्रॉपर सोर्स से सुनना है बस, शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा वैलिड होता है, लेकिन वो शब्द प्रॉपर सोर्स से आना चाहिए, अथॉरिटी से, है ना। जैसे कोई आए कहे ये हो गया तो आप नहीं मानेंगे, पर वो बताएगा कि इस चैनल पे आया है या ये देखो गवर्नमेंट का पेपर है, तो फिर आप मान लेंगे क्योंकि अथॉरिटी से आया। तो नारद जी तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के 12 महाजन में से एक हैं, तो उनसे सुन के रुक्मणी जी के मन में इच्छा हुई कि हमें विवाह किससे करना है, कृष्ण से ही करना है। लेकिन जो उनका भाई था रुक्मी, वो नहीं चाह रहा था, वो चाहता था कि इनका विवाह किसके साथ हो, शिशुपाल के साथ हो। तो यही फैमिली मैटर फंस गया था वहाँ पे, अब क्या करें। तो रुक्मणी चाहती थी मेरा विवाह कृष्ण से हो, तो इनके जो पिता थे वो तो कृष्ण को चाहते थे, पर चूंकि ये भाई ने इतना वो बना दिया प्रेशर कि वो बोले चल भाई तुम जिससे करना है करो। तो जब रुक्मणी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र, और वो पत्र में लिखा, वो पत्र में लिखा कि मतलब पूरा प्लान समझाया, है ना। पहले लिखा कि हमने आपके बारे में नारद जी से सुना है और मैं आपसे ही विवाह करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी, है ना, मर जाऊंगी, और आज से इतने दिन में मेरा विवाह होने वाला है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाएं, और हमारे जो खानदान है, वंश है, इसमें एक परंपरा है कि विवाह से पहले जो कन्या होती है वो गौरी, है ना, उनकी पूजा के लिए जो है जो अंबिका का मंदिर है उसमें जाती है और वहाँ पूजा करती है, तो मैं भी उस पूजा के लिए जाऊंगी, और उस दिन आप वहाँ पे आ जाना और मैं बिल्कुल रेडी रहूंगी, आप मेरे को लेकर चले जाना, हरे कृष्णा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान के साथ वो ब्राह्मण को पत्र दे दिया, और ब्राह्मण जाके वहाँ गए, कहा तो जब भगवान ने देखा कि कोई ब्राह्मण आए हैं तो उनका पूरा आदर सत्कार किया, और उसके बाद भगवान उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि आपके आने का क्या प्रयोजन क्या है। तो बताते हैं कि जो है महाराज रुक्मी की पुत्री रुक्मिणी ने एक संदेश आपके लिए भेजा है, संदेश कृष्ण पढ़ते हैं, इमीडिएटली कृष्ण रेडी हो जाते हैं, और कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूं, तुरंत जाऊंगा, तुरंत रथ उठाया निकल गए। तो जब बलराम जी को पता चला कि कृष्ण अकेला चला गया है, तो बलराम जी कहते भी अकेला चला गया है लड़की को अपहरण करने, पंगे तो आओगे, है ना। वैसे बलराम जी जानते हैं कि कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, पर चूंकि छोटे भाई का प्रेम था तो सपोर्ट करने के लिए, भाई भाई का तो सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो छोटे भाई का सपोर्ट करने के लिए पूरी सेना लेके बलराम जी पीछे से चले। तो वहां पे अब रुक्मणी कहती है कि कृष्ण का तो छोड़ो, ब्राह्मण ही वापस नहीं आए अभी तक, बड़ा चिंतित थी वो, यहाँ पूरा तैयारी चल रही है, शिशुपाल बिल्कुल उससे विवाह का सब पूरी व्यवस्था बना रहे हैं, सारा प्रोग्राम चल रहा है, रुक्मणी जैसे जैसे विवाह की तैयारियां बढ़ रही हैं, रुक्मणी की हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्या होगा। तो इस तरीके से रुक्मणी बहुत चिंतित थी, और उसी समय ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण ने बताया कि कृष्ण ने कहा है कि वो आएंगे। तो फिर रुक्मणी जी जो है माता अम्बिका की पूजा के लिए, ऐसे भागवत में कई जगह वर्णन आता है, भक्त लोगों ने, ब्रजवासियों ने भी शंकर जी की पूजा करी, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, रुक्मणी, पर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण को चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करने में कोई गलत बात नहीं।
पर अपनी नौकरी में तरक्की के लिए देवताओं की पूजा करना वो फिर गीता पढ़ो, ठीक है। भगवान कहते हैं कि जो अल्प मेध साम है, अल्प मेध साम माने जो कम बुद्धि वाले हैं, वही देवताओं के पास जाते हैं, हरे कृष्ण, ठीक है। तो इस तरह से रुक्मणी जी जो है पूजा के लिए देवी माता के मंदिर की तरफ चली, और वो चली, उनके पीछे सखियां थी और पीछे पूरा बीएसएफ, पूरा सिक्योरिटी चल रहा था कि कोई, उन्हें पता था कि कृष्ण आएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जितने कृष्ण से चिढ़ते थे सारे के सारों ने अपनी सेना शिशुपाल के सपोर्ट में बुलाई थी, वो जरासंध और ये वो जितने थे सब ने शिशुपाल के सपोर्ट में, बहुत विशाल सेना वहां पे आई हुई थी कि कुछ भी कहीं से भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ होना नहीं। सब अपना अपना मोर्चा लेके खड़े हुए थे और रुक्मणी जी वहां गई और बहुत चिंतित थी कि आई नहीं अभी तक। तो अंदर गई, पूजा किया, पूजा करते करने के बाद शुकदेव गोस्वामी रुक्मणी जी के सुंदरता का बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं, बहुत डिटेल में। तो इस तरीके से जब रुक्मणी जी बाहर आ रही हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी अरेंज किया गया आपने, विवाह का समय है तो थोड़ा सहनाई वहनाई ही बजनी चाहिए। तो रुक्मणी जी वहां से मंदिर से बाहर निकल रही हैं, उनका बहुत डिटेल में सुखदेव गोस्वामी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। इसके बाद रुक्मणी को बड़ी चिंता हो रही थी कि कृष्ण आए नहीं, आए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि देखें, तो देखने के लिए कि कृष्ण, अगर उन्होंने बताया था कि इस समय में वहां बिल्कुल मिलूंगी आप आ जाना, तो उनका आए कि नहीं आए, तो ये देखने के लिए कि कृष्ण आए कि नहीं आए, रुक्मणी जी ने थोड़ा सा अपना घूंघट हटाया देखने के लिए। और वो जो घूंघट हटाया, जितने राजा वहां थे सबने देखा, सारे वहीं बेहोश हो गए रुक्मणी की सुंदरता देख के, और सारे के सारे बेहोश हो गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसी समय कृष्ण बिल्कुल रेडी कहां तो भी बैठे थे पता नहीं, और जैसे ये बेहोश हुए कृष्ण आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाए, ये चले, कोई लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, रुक्मणी ने सब पहले ही। अब जब वो लेके जा रहे थे तब इधर वो ले गया ले गया ले गया, अब इनको पता चला कि वो तो गई, तो सब एक दूसरे को धिक्कार है हमारी वीरता पर, हमारे सामने जैसे एक सिंह अपने भेड़ियों के सामने अपने शिकार को लेके चला जाता है, वैसे आज हमारी दुर्दशा हुई है, पकड़ो पकड़ो इसको, ये ग्वाला लेके चला गया। तो सब पीछे से अटैक किए, पीछे से अटैक क्या करोगे, उधर बड़ा भाई आ रहा था, बलराम जी ने सबको रोक लिया, देर कड़ाकट कड़ाकट सांप को हरा दिया, आदमों को इधर मारा उधर मारा सब ना। तो विवाह में लड़ाइयां तब से हो रही हैं। तो पूरा मारकाट मची हुई है। और इसके बाद रुक्मणी जी को बड़ी टेंशन हो रही है, सब हमारे रिश्तेदार ही मर रहे हैं। तो इधर तो कृष्ण लेके गए और बलराम जी इधर मोर्चा संभाले हुए, कृष्ण आगे जाते जा रहे हैं, उधर से उनका भाई आ गया, किसका, रुक्मणी का, रुक्मी। तो कृष्ण ने उसको खूब लड़ाई हुआ, बाद में कृष्ण बिल्कुल मारने वाले थे, तो रुक्मणी को टेंशन हो गया कि नहीं मेरे भाई को मत मारो, है ना, जो भी है मेरे भाई को मत मारो। तो फिर भगवान ने उसका वही कुछ ऐसा कुछ हेयर स्टाइल बना के छोड़ दिया, क्योंकि तो ऐसा हेयर स्टाइल उस समय जो है बेइज्जती की निशानी था, पर आज वो सम्मान की निशानी है। तो रुक्मणी, रुक्मी सबके सामने प्रतिज्ञा करके आया था कि अगर मैं उसको मार के नहीं आया तो वापस अपने राज्य में कदम नहीं रखूंगा। तो रुक वो तो हार गया। और वहां आ गए बलराम जी, तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण से, अरे ये तुमने गलत किया यार, कोई अपने
अभी तुम अभी और रुक्मणी को एक तरफ समझाते हैं, फिर तब कृष्ण को कहते हैं तुमने गलत किया, ऐसा करते क्या साला है तुम्हारा है? फिर रुक्मणी को कहते हैं अभी तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम लोगों ने सब कंट्रोल कर लिया है, तुम आराम से विदा होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले रुक्मणी को समझाया, फिर कृष्ण को समझाया, फिर रुक्मणी को समझाया, फिर कृष्ण को समझाया, ऐसे करके जो है वापस वहां ले गए। और यहाँ पे रुक्मी तो फिर बाद में बाहर ही रहने लगा, अपना एक अलग जगह बसा के वो वापस गया। इस तरह से जो है रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। और फिर रुक्मणी से जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न के जन्म के समय ही एक संबरासुर नाम का एक राक्षस था जो प्रद्युम्न को चुरा के ले गया था। तो रुक्मणी बड़ा उदास रहती थी और ये राक्षस लेके गया उस बच्चे को अपने घर में। इसने क्या किया कि एक नदी में फेंकवा दिया और उस मछली के पेट में चला गया, उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा, उसको काटा तो अंदर से एक बच्चा निकल, वो मछली को उन मछुआरों ने राजा इस संबरासुर को ही दे दिया है ना फिश करी बनाने के लिए। तो जो किचन में कटी तो उससे बच्चा निकल आया है ना। तो संबरासुर ने उनकी एक दासी थी मायावती, याद रहेगा सबको नाम, तो मायावती को दे दिया है, यूपी नहीं था लड़का था तो मायावती को यूपी दे दिया है ना। तो वो लड़का किसको दे दिया, मायावती को, कि तुम इसका देखभाल करो है ना। तो मायावती उसका देखभाल करती थी, उसका पूरा पालन पोषण करती थी। तो जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो मायावती का हाव भाव उस बच्चे के प्रति बदल गया। तो एक दिन वो लड़का कहता है कि अरे आप मुझे प्रश्न है, पहले तो आप मेरे से माँ जैसा प्रेम करती थी, अभी आपने मेरा बचपन से पालन पोषण किया, अभी आप कुछ दूसरे तरह से व्यवहार क्यों करती हैं जैसे आप मेरी पत्नी हो। तो फिर मायावती ने उस बच्चे को एक कहानी सुनाई। तो हुआ क्या था कि ये जो लड़का था ये कामदेव, पहले जब भगवान शंकर के क्रोध की वजह से जो कामदेव भस्म हो गए थे तो वही अभी प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। और ये जो मायावती है वो कामदेव की पत्नी रति थी। तो इसने बताया कि आप तो मेरे पति ही हैं। तो फिर वो मायावती जो है बहुत कुछ जानती थी जादू वादू है ना, तो फिर वो सब सिखाया और प्रद्युम्न ने उस राक्षस को मार दिया और ये दोनों वहाँ आए कहाँ द्वारका में। तो जब मायावती और प्रद्युम्न वहाँ आए तो कुछ लोगों ने तो सोचा कृष्ण ही आ गए क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण जैसे दिखते थे। तो कई लोगों को लगा कृष्ण आ गए। बाद में जब माताएं जो थी उन्होंने देखा तो उनको भी लगा कि कृष्ण है। बाद में पता चला कि तो रुक्मणी को लगा देख के कि ये ऐसा ही, अगर मेरा बेटा आज होता तो ऐसा ही होता, ऐसा उनके अंदर से भाव आया। तो बाद में फिर मायावती ने पूरा स्टोरी बताया कि बैकग्राउंड में सब हुआ है, ये आपका ही बेटा है। तो इस तरीके से जो है फिर प्रद्युम्न आ रहे हैं। प्रद्युम्न का बहुत सुंदरता का वर्णन है ना। तो इस तरीके से जो है प्रद्युम्न की कथा आती है। इसके बाद जो कथा है वो है शमंतक मणि की। इस कथा को कल कहेंगे है ना। हरे कृष्णा। फिर वो बाद की